क्या हूँ कैटी खाला नहीं जाना कैटी खाला कर अम्मा किधर जाना है ये तो बंदा चला रहा तो फिर वो दूसरी पाकिस्तानी पसंद ही नहीं आती ये ब्लू कलर की और इस तरह से बड़ी प्यारी है और इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज घर का न्यू व्लॉग, आज जी हम जा रहे हैं बाहर। हालांकि आज मेरा दिल था कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, मुकद्दस की क्लासेस वगैरह लेने वाली हैं वहाँ जाएंगे, लेकिन जी बस एकदम से प्रोग्राम बन गया कि मैं जा रही हूँ बड़ी फाखरा की तरफ। अच्छा, बड़ी फाखरा ने जी उमैर ने ली थी न्यू कार और उसकी मुबारक देने के लिए जाना है। अच्छा, फ़ोन पे तो हमारी बात हो गई थी, लेकिन मैंने कहा जाके ना मतलब बाजी को मुबारक दें, अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे। और बस घर के ऐसे करती हूँ, छोटा मोटा क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर वहाँ जाएंगे और सारा कुछ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। जाने से पहले जी मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर तैयार होते हैं। टू कहते हैं, टू हाँ कैटी खाला जाना है। अमना ने जी वर्क भी कर लिया है और अमना रेडी हो गई है, हम कैटी खाला के घर जा रहे हैं, है ना जी। पापा भी तैयार हो गए हैं, इब्राहिम साथ साथ फिर रहे, कहीं पापा वैसे ना निकल जाएं और मैं इनके साथ जाऊं। ये जी मलिक साहब वो कपड़े सुट्टी जा रहे हैं, हूँ चुके हैं उतो। अम्मी आपने किधर जाना है? हैं हैं क्यों कैटी खाला नहीं जाना? कैटी खाला कर अमना किधर जाना है? अमना किधर जाना है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इतना ज़बरदस्त मिस परफ्यूम्स के बारे में। जो लोग मुझे और मामा को पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मुझे मिस परफ्यूम्स और परफ्यूम्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। और मेरे फेवरेट स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड ने जो कि एशिया ऑर्गेनिक्स ने इतहाई ज़बरदस्त पांच जो है मिस परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं और उन लोग का मैं आपको दिखाती हूँ। ये पांच मिस परफ्यूम्स जो हैं अपने अपने मतलब तर्ज पे कमाल है। ये वाला जो पर्पल वाला है मेरा फेवरेट है, ये ब्लू वाला जो है स्काईलाइन, इसकी भी इंतहाई अच्छी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। ड्रीम्स की भी माइल्ड फ्रेग्रेंस है और ये मेरा फेवरेट है। सनसेट थोड़ा सा स्ट्रांग है, रोमांस भी थोड़ा सा स्ट्रांग है और साथ मैजिकल भी थोड़ा सा स्ट्रांग है। और वो दोनों जो तीन है अगले, वो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़े स्ट्रांग फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं, मैं लाइट पसंद करती हूँ, इसलिए ये पहले दो मेरे फेवरेट हैं। सबसे अच्छी बात इनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम है और इनकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml है, मतलब काफी ज्यादा है, ठीक है। इनकी पैकेजिंग जो है बहुत खूबसूरत है, आपके ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। और इनके पेज के ऊपर बाकी सारी डिटेल्स होंगी, वो हम आपकी कन्वीनियंस के लिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, आपने जरूर लेने हैं। ये सारे फ्रेग्रेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और चले जी, हम मामा आपसे मिलती हैं। बाजी की तरफ जाना था और हम मुबारक देने के लिए जा रहे थे, तो दिल तो था कि कोई मीठा लेके जाएं, लेकिन बच्चे तीनों डाइट पे हैं और भाई नासर और बाजी भी इतना मीठा शौक से नहीं खाते, तो यहाँ से जी मैंने बास्केट बनवा ली थी फ्रूट की और उसके बाद जी हम बाजी की तरफ आ गए थे। अच्छा, बाजी का और मेरे घर का डिफरेंस तकरीबन 5 से 7 मिनट का सिर्फ रास्ता है और फ़ौरन से पहुँच जाते हैं। हमारा शायद इसीलिए आना जाना भी ज़्यादा होता है कि हम दोनों का घर नज़दीक है। और बस जी फिर हम यहाँ पे आ गए थे। ये तो बंदा चला रहा तो फिर वो दूसरी पाकिस्तानी पसंद ही नहीं आती। अच्छा,
घर में जी एंटर होते ही सामने गाड़ी नज़र आ गई थी, और मलिक साहब माशाल्लाह इनको भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, और माशाल्लाह गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मलिक साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अमना कैटी के साथ लगी हुई थी और बाजी ने चाय का काफ़ी ज़्यादा अरेंज किया हुआ था, मना भी किया था कि बाजी इतना ना कीजिएगा। और यहाँ पर जी मुकदस कटिंग कर रही है पिज़्ज़ा की, और बाजी भी लगी हुई है, और क्लिप लेने के बाद मैं भी लागी थी बाजी के साथ ही। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से चाय वगैरह बना करना तो फिर बैठ जाते हैं। तो माशाल्लाह बाजी ने चाय बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। बाजी ने कच्चे कीमे के कबाब बनाए हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मज़े के थे। और अच्छा उमैर उज़ैर और शाम यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो खाना खा चुके थे, वो कह रहे थे अभी हमारा मूड नहीं है, तो फिर जब खाना होगा, क्योंकि ना एक्स्ट्रा मंगवा के बाजी ने रखा हुआ था कि भाई जब उनको भूख लगेगी तो वो फिर खा लेंगे। तो बस यहाँ पे बैठे हैं हम, गपशप लगा रहे हैं, कुछ स्कूल की हो रही है, कुछ चैनल की बातें हो रही हैं, कुछ इधर उधर की बस। और मुकदस चाय भी यहीं पे गर्म करके ले आई थी और हमने चाय पी है, और बस फिर हम निकल आए थे वापस, क्योंकि आमना ने सुबह स्कूल जाना था और शाम भी जाता है कॉलेज, तो बस यहाँ से निकले हैं। ये जी नाइसर डाइसर प्लस के नाम से है ये, जिस तरह ये आपको पता ना, ये काफ़ी मतलब के वायरल हुआ था यूट्यूब पे भी और वैसे इंस्टाग्राम पे भी, ये इस तरह से ये सारे कटिंग का ये इसके अंदर है। तो अगर आपके पास जैसे कि सैलड वगैरह बनाना हो, लाइट नहीं होती है, और ये भी देखना ये स्टील में है, ये श्रेड करने के लिए, साथ में स्लाइस बनाने के लिए, मतलब ये भी सैलेड के लिए ग्रेटिंग के लिए यूज़ हो जाता है। और ये साथ में स्पून का ये फुल सेट है, ये देखें इस तरह से। कह रही थी घर में जाके वॉश कर लेना बस, तो भाई मेरे पास ऐसे ही रखे हुए हैं सारी चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा, ये मुकदस को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा ये हैंड चॉपर जैसे होता है ना, ये भी नाइसर डाइसर का ही है, और हाथ के साथ करने के लिए मतलब कटिंग वगैरह सारा कुछ। ये इंशाल्लाह कभी यूज़ करूँगी ना, फिर आपके साथ भी इसके ना डिटेल में शेयर करूँगी। ये इस तरह से कि आप सैलेड भी काट सकते हो, कोई सैंडविच वगैरह बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जी साथ ही में ये हैंड जो होता है ना चॉपर, ये वो है सारा। ये इस तरह से उन्होंने कहती हैं कि मैंने वीडियो बनानी थी तो ये मैंने थोड़ा सा जोड़ा छोड़ा था, तो वो ये इसी तरह से भाई मैंने बीच में रख दिया था। अच्छा ये एक पेस है ना, ये बैंगल्स हुई थी रिसीव, और ये मुकद्दस का ऊपर इस तरह से नेम लिखा हुआ है, ये देखिए मुकद्दस ऊपर लिखा हुआ है बड़ा प्यारा। और ये इस तरह से ना जैसे मेहंदी पे कहीं जाना हो या वैसे भी ना जैसे ईद वगैरह पे भी ये चल जाती हैं, और इस तरह से बड़ी प्यारी हैं ये बनी हुई। ये साथ में और बैंगल्स बाजियाँ दी हैं, और ये मुकद्दस के लिए कपड़े उन्होंने दिए हैं, क्योंकि वो मंगवाती हैं कपड़े तो वो जी स्मॉल और मीडियम साइज़ ही मंगवा लेती हैं, और ये सारे के सारे होते ही सिर्फ मुकद्दस के साइज़ के हैं ना, मुझे पूरे आते हैं ना बाजी को आते हैं पूरे, तो फिर ये जी मुकद्दस ही बस पहनती है। ये ब्लैक एंड वाइट में है, और मुकद्दस को और बाजी को ब्लैक एंड वाइट पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ये मंगवा भी ब्लैक ही लेती हैं दोनों। ये देखें ये कितनी प्यारी शर्ट है, अच्छा ये पूरा सूट है, ये शर्ट है, और ये इसके साथ का दुपट्टा है, ये सारी ये पेंटिंग हुई हुई है बड़ी प्यारी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें सेम वैसा ही फूल बना हुआ है, और नीचे लेस वगैरह लग के पाइपिंग वगैरह हुई हुई है बड़ी प्यारी। ये भी शर्ट है, और साथ में एक ये भी शर्ट है ब्लू कलर की, ये भी बहुत प्यारी है। ये देखें ये जी देखें ये ब्लू कलर की, और इस तरह से बड़ी प्यारी है, और इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। मतलब लड़कियां आपको पता है आजकल के इसी तरह के पहनती हैं कपड़े। और ये जी उसी के साथ क्या है ट्राउज़र, और ये और दूसरी के जो है उसके साथ का ट्राउज़र देख लो। ये बाजी ने साथ में कपड़े वगैरह दिए हैं, मैंने कहा चलें तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि गए हैं, और यकीन कर बाजी को मुबारक देने के लिए गए थे, और साथ में बाजी ने ये सारी चीज़ें दे दी हैं। गए थे माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी गपशप लगाई। अच्छा बाजी जब यहाँ पे आती हैं तो मैंने फिर आपको पता है जैसे कि खाना वगैरह बनाया हुआ होता है, और इधर उधर ही बंदा बस लगा रहता है, बैठ के चीज़ें बहुत होती नहीं है, फिर जब मैं बैठती हूँ तो उस टाइम उनके जाने का टाइम हो जाता है। तो आज काफ़ी माशाल्लाह से हम उधर बैठे रहे हैं, गपशप लगाते रहे हैं सभी, और बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। बहुत अच्छी कार थी उमैर की, और
वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा तीनों बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे, तो अल्लाह पाक उनकी खुशी को ऐसे ही बरकरार रखे और अल्लाह पाक उनके रिस्क में और इजाफा करे और बरकत डाले। और बाजी ने ना कुछ चीज़ें भी मुझे दी हैं, वो भी जैसे कि क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है और दिखाई है मैंने आपको। आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमें मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।